नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टी सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में पाठ आठ पढ़ाया था। पाठ का नाम है कुछ तो लोग कहेंगे। इसके प्रश्न उत्तर को मैंने बता दिया था। आज मैं आप लोगों को भाषा कौशल बताने जा रहा हूं। भाषा कौशल में कौन नंबर है? नीचे दिए गए शब्दों को उल्टे अर्थ वाले शब्दों के सामने लिखो। नीचे दिए गए शब्दों को उल्टे अर्थ वाले शब्दों के सामने लिखो। तो शब्द आपका दिया गया है, पहला शब्द है गुहा, पीछे, मूर्ख, गर्मी, अंदर, दूर, यही सब लिया गया है। इन्हीं शब्दों को जो शब्द है उसका विलोम लिखना है। पहला शब्द है सर्दी। अब सर्दी का उल्टा अर्थ वाला विलोम शब्द इसमें से घोड़ कर लिखना है। तो सर्दी का क्या हो जाएगा? गर्मी। तो यहां हम गर्मी लिख देंगे। सर्दी का उल्टा गर्मी। दूसरा नंबर है आगे। आगे का विलोम हो जाएगा पीछे। तीसरा नंबर है बाहर। बाहर का विलोम उल्टा अर्थ वाला शब्द कौन सा है? अंदर। चौथा शब्द है जवान। जवान का विलोम शब्द यानी कि उल्टा अर्थ वाला शब्द क्या होगा? बूढ़ा। पांचवा नंबर है पास। पास का विलोम होगा दूर। छठवां नंबर है बुद्धिमान। बुद्धिमान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मूर्ख। तो इस तरह कौन नंबर हो गया? उल्टा अर्थ वाले शब्द को लिखना था तो मैंने आप लोगों को उल्टा अर्थ वाले शब्दों को यहां से छाट कर लिख दिया। अब आगे चलते हैं ख नंबर।
फोन नंबर है, इन शब्दों से वाक्य बनाओ। इन शब्दों से वाक्य बनाओ। नीचे शब्द दिए गए हैं, उनसे वाक्य बनाना है। पहला शब्द है आदमी, आदमी, इसको वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे सरल वाक्य देखिए, यह आदमी मूर्ख है। ये वाक्य में प्रयोग हो गया, यह आदमी मूर्ख है। इसी तरह दूसरा वाक्य, दूसरा शब्द है शहर, इसको वाक्य में प्रयोग करना है। राम शहर जाने वाला है, राम शहर जाने वाला है, शहर का वाक्य प्रयोग हो गया। तीसरा नंबर है मूर्ख, बूढ़ा आदमी और उसका बेटा, बूढ़ा आदमी और उसका बेटा मूर्ख है। चौथा नंबर औरत, यह औरत बहुत सुंदर। इस तरह इन शब्दों का वाक्य प्रयोग हो गया। तो बच्चों, आप लोग जितने भी प्रश्न बता दिए गए, इन प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका पर उतार लीजिए और याद कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगला पाठ पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।